हेलो गाइस, आज हम मैं कांसल के जिम में स्पार्टन जिम में और आज हम करने वाले हैं अपने शोल्डर एंड ट्राइसेप को ट्रेन। सो आज मेरे साथ है मिस्टर सुरजीत कुमार और आज हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर। सो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे हम अपना शोल्डर एंड ट्राइसेप का वर्कआउट। अभी हम करेंगे शोल्डर का पहला सेट करेंगे जो है ओवर है डंबल प्रेस, देन उसके बाद हम ट्राइसेप करेंगे। हमारा जो है सेट ये वार्म सेट है और ये जिससे हम 10 रेप्स में आएंगे, ओनली वार्म सेट है गाइस हमारा। ये मेन सेट है गाइस, डंबल 20 किलो के। तो कम ऑन, वेरी गुड, डाउन स्लो लेके चल चल स्टार्ट, बहुत बढ़िया। 5 2 कम ऑन, 3 4 2 5 लास्ट में बड़ी 6, वेरी गुड गाइस। आप जिम में वर्कआउट करते हो, अगर आप प्लीज आप ईगो लिफ्टिंग ना करें, आपसे जितना वेट लग रहा है उतना उठाएं और किसी को देख के वेट ना उठाएं। तो अब हम जाएंगे, अब हमने 20 का लगा किया था, अब हम जाएंगे 25 की ओर, उससे 4 से 5 रेपिटेशन आएंगे हमारे। ठीक है, 25 का लगाया था अभी हमने, 5 रेपिटेशन लगे एंड कम ऑन बेटी, वेरी गुड, 5-6 रेपिटेशन होना चाहिए, कम ऑन, 1 2 कम ऑन, 3 वेरी गुड, 4 5 वेरी गुड, एक और लगा खींच दे डाउन स्लो, वेरी गुड। जब भी आप लगाओ वर्कआउट तो उसकी जो रेपिटेशन है बिल्कुल स्लो आनी चाहिए, ना कि फास्ट लगाओ आप। फास्ट लगाने से गाइस कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको, आपको जो भी नेगेटिव रैप्स है आप उसको बिल्कुल स्लो करो, देन जो पॉजिटिव रैप हो जो पॉजिटिव रैप्स है उनका थोड़ा फास्ट कर सकते हो। फटे में रही, अब देखते हैं कितने रेपिटेशन आते हैं। मेरे ट्राई है कि मैं 6 रेपिटेशन निकालो इसका, 1 2 3 गो, कम ऑन, सुरजीत का 4th सेट है अब एंड ये लगाएगा 4 रेपिटेशन, स्टार्ट सुरजीत, 1 कम ऑन बड़ी, 2 वेरी गुड, 3 4 अमेजिंग रेपिटेशन, बहुत बढ़िया, 6 वेरी गुड। कैसा सुरजीत ने लगाया, बिल्कुल स्लो रेपिटेशन, आपको भी अगर आप कर रहे हो तो आपको भी इतने बिल्कुल स्लो रेपिटेशन लगाने हैं और इसमें क्या जो मसल है वो ज़्यादा एक्टिवेट होती है, रादर देन की आप फास्ट लगाओ, उससे आपके ज्वाइंट में ज़्यादा फर्क पड़ता है और आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो ट्राई करें कि हल्के रैप लगाएं, हल्के वर्सेस स्टार्ट करें और बिल्कुल स्लो स्लो जाएं, फास्ट करने का ट्राई मत करें। गाइस आप जो भी लगा रहे हो आप देख सकते हो बिल्कुल स्लो रेपिटेशन है, कुछ फास्ट नहीं है, कुछ भी अदर मूवमेंट नहीं है, ओनली आपकी शोल्डर की मूवमेंट होनी चाहिए, ना कि आप बैक से मूवमेंट करो या अपनी नेक से या कुछ जकल मारो, आप बिल्कुल स्लो मूवमेंट करो और वही गाइस आपको बहुत इफेक्टिव होगा, चाहे आप स्लो चाहे आप लाइट वेट से मारो या बट हैवी वेट तब जाना है जब आप उसको उठा सकते हो। अगर आप हैप्पी ट्रॉफी ट्रेन कर रहे हो सो अगर आप 12 रेपिटेशन अच्छे लगा रहे हो तो आप वेट को इंक्रीज़ करो 5%। सो गाइस एक रूल्स है, अगर आप हैप्पी ट्रॉफी को ट्रेन कर रहे हो
तो उसमें क्या होता है कि अगर मसलब आपको अपने मसल को थिक करना है सो आपको जो उसकी रैप रेंज होती है वो होती है 6 से 12। सो अगर आप 6 से 12 रेपिटेशन ईजिली लगा पा रहे हो तो आपको उस वेट का जो हमने वेट पहले मारा है उसका 5% इंक्रीज करना है, और जब उसकी आपको 12 रेपिटेशन ईजिली लग जाए तो वेट इंक्रीज करना है। ये नहीं कि आपने 4 रेपिटेशन मार रहा तो फिर आप वेट इंक्रीज करो, बार बार वेट आपको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग या जो आपकी रेप रेंज है हाइपरट्रॉफी की 6 से 12, जब आप 12 रेप रेंज को आप जब पार करते हो सो आपको वेट इंक्रीज करना चाहिए 5%। वैसे मैंने अभी एक एक्सरसाइज परफॉर्म की, उसको बोलते हैं डंबल सर्क्स, एंड डंबल सर्क्स में लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत हैवी वेट उठा देते हैं, उनको लगता है कि बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसमें केवल हमको अपने शोल्डर को ऊपर और नीचे ही करना है। सो गाइस ऐसा नहीं है, डंबल सर्क्स बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके अपर ट्रैप्स के लिए। एंड उसमें क्या होता है कि गाइस आपको वेट आपको अपनी जो मसल उसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है बहुत अच्छी तरह से, बट हम क्या सोचते नहीं हमको उठाना है और फेंकना है नीचे। आप जितना जितने अच्छे से आप वेट को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे और जितना लाइट वेट होगा उतने ही आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे। हैवी वेट होते तो हम क्या सोचते हैं कि उसको फटाफट करने का, और जिससे क्या होता है हम उस जो हमारी जो मसल है हम उसको अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते, हम अपने ज्वाइंट पे डालते हैं प्रेशर। तो आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छी समझ आ चुकी होगी। अभी शोल्डर का वर्कआउट हो चुका है, अब हम करेंगे ट्राइसेप को ट्रेन, एंड ट्राइसेप की भी 3-3 सेट्स होंगे और उसकी हम लगाएंगे 3 एक्सरसाइज। सो आई होप गाइस अभी जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो आपकी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और एंड ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। अगर गाइस ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब पक्का करें, और थैंक यू सो मच गाइस। हमने 15 किलो की स्कल क्रशर लगाई थी मैंने, जो कि मैंने इससे पहले कभी नहीं लगाई थी, बट इजीली लग गई थी मुझे। भाई ने थोड़ी हेल्प की थी मेरी, बट फिर भाई बोल रहे थे कि मेरी हेल्प कम थी, थोड़ा मैं स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई गाइस मेरी। हमारा वर्कआउट हो चुका है अब ख़त्म, अब हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, देन हम जाएंगे अभी आज घूमने के लिए।
सो आई होप गाइस ये हमारा वर्कआउट आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें गाइस, क्योंकि आपको कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच गाइस।